श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासती गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आप सब डाल्टनगंज के इतने उत्साहित भक्त हैं, मैं मेरी आशा से परे की बात है। बेसिकली सुंदर माधव प्रभु ने मुझे काफ़ी बताया तो था कि कितने उत्साहित भक्त हो आप लोग, लेकिन मैंने सोचा चलो ऐसे बोल रहे होंगे, अपने बच्चों की सब तारीफ़ करते ही हैं, तो मुझे लगा सुंदर माधव प्रभु भी ऐसे तारीफ़ कर रहे होंगे बच्चों की, लेकिन आप लोग तो वाकई बहुत ही सारे अद्भुत लोग हो, बिल्कुल भगवान राम के वानरों की तरह हो आप, जो भी होगा देखा जाएगा। से भगवान राम के वानर सेना थी, कभी भगवान राम से बात नहीं हुई उनकी डायरेक्टली। भगवान राम तो बेसिकली बात कर रहे थे, सुग्रीव से बात कर रहे हैं, हनुमान जी से बात कर रहे हैं, एक दो बार अंगद से भी बात की, बस इतना ही था। जो इवन नंदलील से भी ज़्यादा बात की हो ऐसा वर्णन नहीं आ रहा। उन्होंने सुग्रीव को बोल दिया, सुग्रीव ने आगे सबको बता दिया भाई ये काम करना है ऐसे होगा, या हनुमान जी को कुछ बोल दिया बस बात ख़त्म हो गई। तो वानरों ने कभी डायरेक्टली भगवान राम से बात नहीं की, लेकिन उनकी सेवा में अपनी जान लगा दी, जीवन न्यौछावर कर दिया। करोड़ों वानर मारे गए, करोड़ों, कोई गिनती नहीं है। लेकिन जब रावण का वध हो गया, रावण का वध हुआ तो सारे देवी देवता आ गए, रावण के डर से आ नहीं रहे थे, सारे देवी देवता आके इकट्ठे हो गए और वो भगवान राम को धन्यवाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान राम को, इतना बड़ा काम कर दिया। तो उन्होंने पूछा, इंद्र ने, शायद इंद्र ने पूछा, मैं हे भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा सारे वानरों को जीवित कर दो, जिनको कुंभकर्ण खा गया, राक्षस खा गए जिन वानरों को, उनको भी जीवित कर दिया, सारे जीवित हो गए। चलो जीवित हो गए, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जीवित करना। सांदीपनी मुनि के पुत्र मधुमंगल को ले आए थे भगवान, हाँ समुद्र से निकाल के ले आए थे, प्रभास क्षेत्र में समुद्र में एक पंचजन्य असुर था, उसने निगल लिया था, तो भगवान कृष्ण ने उसको मारा, पांचजन्य का शंख भी प्राप्त किया और मधुमंगल को भी ले आए। और मधुमंगल जो है, मधुमंगल को लाके संदीपनी मुनि को सौंपा, संदीपनी मुनि ने मधुमंगल को वापस भगवान कृष्ण को सौंप दिया कि आपके लिए मंगाया था मैंने क्या करना है, आपके लिए मंगाया था, मुझे नहीं जरूरत। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो मेरा केली गुरु है, मेरी जितनी भी लीलाएँ हैं, जो माधुर्य भगवान की लीलाएँ हैं, उसके गुरु हैं मधुमंगल, उनके बिना पूरी नहीं हो सकती भगवान कृष्ण की लीलाएँ। और भगवान कृष्ण तो क्या, बलराम जी भी मधुमंगल से डरते थे, पता नहीं कब किसको क्या बोल देगा, ये इतने सारे दुनिया भर के राज मधुमंगल के हृदय में, कभी कुछ इधर की बात उधर कर दी तो भैया हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, लज्जा। तो भगवान ले आए थे मधुमंगल को अपनी माता देवकी के 6 पुत्रों को ले आए थे। अब द्वारका ब्राह्मण के संतानें जो मर रही थी, महाविष्णु लेके जा रहे थे,
उनको भगवान ले आए थे। तो कौन सी बड़ी बात है कि चलो भैया वानरों को जो खा लिया पचा लिया उनको भी वापस जीवित कर दिया। और फिर वानरों ने बोला भी नहीं, वानरों ने बोला नहीं उनको कुछ भी, ये चलो अब जीवित हो गए भाई कुछ चाहिए, कुछ नहीं बोला, ना पूछा ना बोला। और फिर सबको जितने वानर थे, ना केवल वानर उनके घर वालों को बीबी बच्चों को सबको भगवान लेकर अपने साथ अयोध्या गए, सबको लेकर गए। माता सीता ने बोला सबको लेकर चलेंगे, उन्होंने नहीं बोला था वानरों ने कि हम भी हम जाना चाहते हैं जी, हम देखना चाहते हैं वहां पे क्या हो रहा है, हम आपका राज तिलक देखना चाहते हैं, किसी ने नहीं बोला, हमने सेवा कर दी बात खत्म हो गई। लेकिन श्री श्री सीताराम सबको अपनी मर्जी से सबको लेकर गए अयोध्या धाम, उनकी खूब आव भगत की और राज तिलक समारोह में सबने भाग लिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप भी अगर अपना जीवन गुरु को वरिष्ठ वैष्णव को समर्पित कर दोगे तो जरूरत नहीं है बोलने की, जरूरत नहीं है, अपने आप भगवान जो है अपने आप आपको अपने जो रस से भरी हुई लीलाएं हैं भगवान अपने आप आपको उसके अंदर शामिल करेंगे, आपको उसमें भाग लेने का मौका अवसर आपको प्रदान करेंगे। तो आप सब भगवान राम की उस सेना के समान हो आप, लेकिन उसके लिए कीमत देनी पड़ती है, कीमत देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रही है चीज, आपको कुछ देकर लेना पड़ेगा। आपको एक प्रसंग बताता हूँ रामायण के युद्ध कांड से, 20वें अध्याय में वर्णन आ रहा है कि भगवान राम समुद्र तट पे पहुंच गए थे, अभी समुद्र लंघन नहीं किया था उन्होंने, समुद्र तट पे खड़े हैं और समुद्र तट पर अब वो विचार कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। इतने में विभीषण आ गया, रावण ने अपमानित कर दिया, भाग्य यहाँ से, तू ही कुल का नाशक बनेगा। रावण ने बोला, विभीषण बहुत सारे लोग विभीषण के समर्थक थे, बोला कोई नहीं कुछ भी, बहुत सारे राक्षस ऐसे थे जो जानते थे कि रावण गलत कर रहा है, विभीषण सही बोल रहा है, कोई नहीं बोला, सिर्फ वही बोला, सिर्फ वही लोग बोले, प्रहस्त महापाश इंद्रजीत वही लोग बोले, कुंभकर्ण है भैया जो होगा देखेंगे मार देंगे उनको, भैया चिंता मत करो, वो लोग बोल रहे थे और कोई नहीं बोला, किसी ने ये नहीं बोला कि विभीषण की बात में दम है भाई, उसकी बात सुन लो, चारों तरफ अपशकुन हो रहे हैं, गधे रो रहे हैं, गिद्ध घूमना शुरू कर दिया झुंड के अंदर, यज्ञशाला में आग नहीं जल रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप उसकी बात को थोड़ा सा तो आप गंभीरता से लो, नहीं सुना किसी ने, किसी ने नहीं बोला, सब चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे क्या हुआ। रावण ने कहा भाग जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। और विभीषण अपने चार मंत्रियों को लेकर वहाँ से निकल गया अपमानित होकर, और निकल कर भगवान राम के शरण में पहुँच गए। सब लोग सुग्रीव को या मारना उसको सॉरी विभीषण को या तो मारना चाहते थे या बंदी बनाना चाहते थे, खुला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए,
असुर है, पता नहीं क्या कब कर दे, उसके मन में क्या चल रहा है क्या पता। हनुमान जी ने बोला, हनुमान जी ने कहा देखो मुझे तो सच्चा लग रहा है। और फिर हनुमान जी को पता है इसने मेरी जान बचाने में कितनी बड़ी इसकी भूमिका, हालांकि हनुमान जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ब्रह्मास्त्र तो पहले ही जो ब्रह्मा जी का पाश था, ब्रह्म पाश तो पहले ही छूट चुका था, पहले ही छूट गया था वो। हनुमान जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। माता सीता प्रार्थना कर रही है हनुमान जी के लिए कि हे स्वामी, हे भगवान राम, अगर आपका मेरे प्रति कुछ भी स्नेह है तो हनुमान को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा कष्ट, कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी विभीषण जी ने हनुमान जी का पक्ष लिया, बोला दूध को नहीं मारना चाहिए, दूध को मारना अच्छी बात नहीं है। अरे कौन आएगा मुझे ये कहने के लिए कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, मैं तो मारूंगा इसको, ये पापी है। कहा ये पापी है, इसको मारो, इसको वानर को। तो विभीषण जी ने कहा इसको क्यों मार रहे हो, उसको मारो जिसका ये दूत है, हमें तो उससे प्रॉब्लम है ना, इससे क्या प्रॉब्लम है, छोटा मोटा बंदर है, भगाओ इसको यहाँ से। तो पूछ में आग लगा के भगा दिया जी। तो हनुमान जी को याद था कि ये वही है जो मेरे पक्ष में बात कर रहा था, जो नीति की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। तो भगवान राम ने बोला, सबको आश्वासन दिया सबको कि मैं एक इशारे मात्र से कुछ करूंगा नहीं, अपनी जगह से हिलूंगा नहीं, एक इशारा मैंने अपने भ्रकुटी का किया पूरा ब्रह्मांड नष्ट कर दूंगा, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस फिर मैंने प्रण भी लिया है, तब अस्मि इति च याचते, अगर किसी ने बोल दिया ना तब अस्मि मैं आपका हूँ, उसको कोई भी सामने आ जाए दुनिया की ताकत उसको नहीं छू सकती, उसको उसका कभी भी बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो विभीषण जी को अपने पास अपने साथ में मिला लिया उन्होंने, अपने साथ रहने के लिए सम्मान दिया, समुद्र से जल लाके उनका राज्याभिषेक कर दिया, विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया कि आज से तुम हो लंका के राजा। विभीषण के दिन गिने हुए हैं। ये सारी चीजें जो है, जब ये सारी चीजें हो रही थी, ये सारे जो है कार्य हो रहे थे, तो एक राक्षस था, शार्दूल नाम था उसका, शार्दूल, वो देख रहा था दूर से छुपके। और उसने देखा, भागा वापस रावण के पास गया, और उसने रावण को बोला कि महाराज प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, आप देख लो कुछ करो आप, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग नुकसान पहुँचा देंगे हमें अगर आपने कुछ नहीं किया तो। तो रावण ने कहा कोई बात नहीं। तो रावण ने क्या किया, रावण ने अपना एक दूत भेजा, और उस दूत का नाम था शुक, जैसे हमारे शुकदेव गोस्वामी है ना, ऐसे ही एक राक्षस था, उसका नाम था शुक, बोलने में एकदम चतुर। और रावण ने उसको शुक को बोला, असुर को, कि तुम जाओ और सुग्रीव को मेरा संदेश देना, विभीषण को नहीं, भाई विभीषण है, भाई विभीषण है, संदेश सुग्रीव को देना। अच्छा जी, क्या संदेश देना? तो रावण ने तीन चार बातें बोली। रावण ने पहली बात बोली, रावण ने कहा उसको बोलना सुग्रीव को कि देखो तुम तो वाली के भाई हो, वाली मेरा फ्रेंड था, मेरा मित्र था, तो तुम भी मेरे मित्र हो गए, पहली बात। दूसरी बात रावण ने बोली कि देखो उसको बोलना कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो ये राम की पत्नी का हरण किया है ना, उससे तेरे को क्या लेना देना, मैंने कभी तेरे को नुकसान पहुंचाया,
मैंने कभी तेरे को कोई परेशानी खड़ी की? तू अपने में मस्त है, मैं अपने में मस्त हूँ। मैंने तो तेरे को कभी दिक्कत नहीं दी मैंने, तो फिर तू मेरे लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहा है? अपने काम से काम रख। और तीसरी बात, रावण ने बोले, रावण ने कहा, देखो सुग्रीव को कहना कि ये लंका जो है ना, ये समुद्र के उस तरफ है, 100 योजन लंबा ये समुद्र है, तो तुम बंदर पार नहीं कर सकते इसको। तो पहले दोस्ती का वास्ता दिया, फिर ये बोला कि भाई तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू बेकार में क्यों एक दुश्मनी खड़ी कर रहा है? कहा रावण लंका का राजा इतना ऐश्वर्यशाली, इंद्र आदि सब देवी देवता सामने थर थर कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं उसके सामने। उसका बेटा इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी पटका पटक के मारा जमीन पे, और उसके हाथी के दांत उखाड़ लिए रावत के, उसको भी सूंड से पकड़ के जमीन पे पटक के मारा। उस रावण की दोस्ती, और दूसरी तरफ ये दो असहाय से दिखने वाले व्यक्ति राम और लक्ष्मण, जो कि सुग्रीवी से मदद मांग रहे हैं कि भाई तुम मदद करो मेरी मेरी पत्नी को ढूंढने में। बिल्कुल कितना फर्क है, सुग्रीव के बिल्कुल मर्म स्थान पे चोट कर रहा था रावण, मर्म स्थान पे कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, मेरी दोस्ती करेगा तो तुझे क्या मिलेगा, ये कहाँ पे तू फंस गया। और फिर उसने ये तीन बातें कहने के बाद रावण ने बोला शुक को, असुर को, अपने दूत को, कि उसको बोलना भाई जो हो गया हो गया, तू यहाँ से वापस लौट जा, यहाँ से वापस लौट जा। तो जो असुर था उसने तोते का रूप धरा और उड़ा, लंका से चल के उड़ के सुग्रीव के सामने आ गया। विभीषण को नहीं एड्रेस कर रहा, विभीषण से बात नहीं कर रहा, विभीषण जो है उसका अपना भाई है। चलो भाइयों में अनबन हो गई किसी बात पे, मना लेता भाई तू अपने भाई को, अगर तेरा भाई वाकई में है तो मना लेता, नहीं मनाया उसको, नहीं मनाया उसको, सुग्रीव के पीछे लगा हुआ जाके। अब वो उड़ा शुक तोता और उड़ के पहुंच गया सुग्रीव के सामने, और हवा में उड़ रहा था, उसके सामने हवा में खड़ा हो गया, और उसने सारी बातें एज इट इज, वो तोते ने, वो असुर ने सुग्रीव को बोल दी। जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की, सारे वानरों को लग गया ये असुर है, उसको छलांग मारी, पकड़ लिया उसको, और पकड़ लिया उसके पंख नोच डाले, उसकी मरोड़ा उसको, खूब मारा पीटा उसको। तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। अब वो संदेश किसको देने आया? सुग्रीव को। और ज़ोर ज़ोर से पुकार किसको रहा है? भगवान राम को। उसने बोला हे राम प्लीज़ मेरी रक्षा करो, मैं दूत हूँ, दूत का वध नहीं किया जा सकता, मेरी एक ड्यूटी है अपने स्वामी का संदेश देना। दूत का वध किया जा सकता है सिर्फ एक कंडीशन में, एक शर्त अगर है, अगर वो परिस्थिति होगी तो दूत का वध किया जा सकता है, नहीं तो दूत का वध नहीं हो सकता कभी भी। क्या कंडीशन है भाई, क्या शर्त है उसकी? तो वो शुक ने बोला, असुर ने, कि अगर मैंने, अगर दूत जो है अपने स्वामी का संदेश अगर उसको बदल दे तो मौत के घाट उतारा जा सकता है उसको, अन्यथा नहीं उतारा जा सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हालांकि बोल एक असुर रहा है लेकिन नीति सही है, नीति सही है। आप, मैं, हम सब लोग, हम लोग तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हम भगवान का संदेश, श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं यथारूप, उनके दूत के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में यथा रूप हम दोहरा रहे हैं,
कोई बदल नहीं रहे, उसको अच्छा बनाने की हम प्रयास नहीं कर रहे। जैसा है वैसा बोलो भाई, जैसा सुना वैसा बोलो, बात खत्म हो गई। अगर हम इस संदेश को जो हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ, भगवान कृष्ण से चला आ रहा है वो संदेश, करोड़ों वर्ष बीत गए, इस संदेश को चला आ रहा है, आपके पास आ गया, अब आप दूत बन गए, अब आप वो दूत बन गए, वो प्रतिनिधि बन गए। भक्ति में अगर सुरक्षित रहना है, अगर आप सोचें, अगर आप चाहते हैं कि आपका वध नहीं हो जाए, कि वध कर दो इसका, अगर आप मृत्यु से सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम मृत्यु से सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम नहीं मरना चाहते भक्ति के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवतम 10.14.8 के अंदर, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जीवेत्यो मुक्ति पदे सदाय भाग। अगर कोई भक्ति में जीवित रहेगा पूरा जीवन, जब तक आखिरी सांस ले रहा है, पूरा जीवन जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में लगा रहा, जो गुरु की भक्तों की सेवा में लगा रहा, जो भगवान को कृतज्ञता से, ये नहीं सोच रहा कि मैंने आपके लिए क्या कर दिया, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने मेरे लिए क्या किया, पूरा एक भक्तों का समाज खड़ा कर दिया, एक दो भक्तों से मेरा काम नहीं चलता, मैं इतना कमजोर हूं, इतना जर्जर है मेरा मन और शरीर कि मुझे सैकड़ों हजारों भक्तों की सहायता की आवश्यकता है, एक दो की सहायता से, मदद से मेरा काम नहीं चलेगा। जीवेत्यो मुक्ति पदे सदाय भाग, ये कृतज्ञता अपने हृदय में रख के भगवान को निरंतर धन्यवाद देते हुए, जीवेत्यो, जो भक्ति में जीवित रहेगा मुक्ति पदे सदाय भाग, उसको भगवान के चरण कमल मिल जाएंगे उसको, ये पॉइंट है। तो हमारे पास जो संदेश प्राप्त हो गया प्रभु श्रील प्रभुपाद का, वो संदेश हमारा ये कर्तव्य है एक दूत के रूप में, चाहे असुर बोल रहा है इस बात को, लेकिन हमारा कर्तव्य है, बात सही बोल रहा है, वो बात सही बोल रहा है, हमारा कर्तव्य है। अगर हम मृत्यु से बचना चाहते हैं, अगर हम नित्यता की ओर, शाश्वत नित्य जीवन की ओर अगर हम जाना चाहते हैं, तो हमने जो संदेश हमारे हृदय में स्थापित हो गया गुरु की, वैष्णवों की, वरिष्ठ वैष्णवों की दया से, उसको यथारूप यथावत उसको दोहराते रहो, तो बचे रहोगे, तो सुरक्षित रहोगे। ये कुल मिला के जो बात है कि आखिर भक्ति करनी कैसे, ऐसे करनी है भक्ति, ये उसका आधार है। कुछ मत बदलो, जैसा बोला है वैसा करो। तो दूत ने बोला, देखो मैंने तो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया है, मैंने तो अपने स्वामी का संदेश नहीं बदला, तो मैं मृत्यु का अधिकारी नहीं हूं, मुझे नहीं मारना चाहिए, आप प्लीज मेरी रक्षा कीजिए। भगवान राम ने बोला कि ये दूत है, दूत अवध्य है, उसको मारा नहीं जा सकता, इसको छोड़ दो, जाने दो इसको वापस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो, एक तरफ रावण है, हनुमान जी को मारने की कोशिश कर रहा है, एक दूत को मारने की कोशिश कर रहा है। दुर्योधन है, भगवान कृष्ण चले गए दूत के रूप में, उन्हीं को बंदी बनाने की कोशिश की उसने, बांध लो, पकड़ लो इस ग्वाले को, छोड़ो मत इसको। दूसरी ओर आप भगवान राम को देखो, भगवान राम को पता है कि ये आया है, इसने हमारी सारे, इसने सेना वेना हर चीज देख ली इसने,
ऐसा थोड़ा ना संदेश लिया, आंखों पर पट्टी बांध के आया, संदेश लिया, दिया, निकल गया। एक एक चीज इसने देख ली हमारी, जाके बताएगा, इससे हमें नुकसान है फायदा नहीं है। लेकिन धर्म क्या कह रहा है? धर्म कह रहा है कि भाई इसको दूध का वध नहीं किया जा सकता, दूध को सुरक्षा प्रदान करना कर्तव्य है, छोड़ दो इसको। वानरों ने छोड़ दिया, छोड़ दिया तो गया नहीं, वो जो शुक असुर है गया नहीं। देखो कितना अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान है, गया नहीं वहां से, वापस सुग्रीव को बोला, वापस सुग्रीव को बोला कि मेरे स्वामी के लिए आपके पास कोई संदेश है क्या? मैंने तो अपने स्वामी का संदेश आपको दे दिया, अब कुछ आप भी तो बोलो, कुछ कुछ आपका भी तो, कुछ आपके पास भी तो होगा बोलने के लिए, कुछ संदेश आपके पास भी होगा, मुझे बताओ, मैं जाके उनको क्या बोलूँगा। तो सुग्रीव जी, अब सुग्रीव जी के यहाँ सामने यहाँ पर दुविधा है कि रावण का पक्ष लें जो ऐश्वर्यशाली है, सोने चांदी से उसके महल बने हुए हैं, हीरे ज्वारात जड़े हुए हैं उसके अंदर। सारी बात तो आगे हनुमान जी ने बताई थी, लंका का ऐश्वर्य। और फिर सुग्रीव को पता भी है कि रावण रावण है, मतलब दशग्रीव रावण, गर्दन काट के चढ़ा दी उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, वो दशग्रीव रावण। और दूसरी तरफ ये धनुष बाण टांगा हुआ है इन्होंने, विरह में कातर है। भगवान राम इतने विरह में, माता सीता के विरह में इतने विवल थे कि जमीन पर लेटते थे तो उनके शरीर के ऊपर से सांप बिच्छू निकल जाते थे, हटाने का प्रयास भी नहीं करते थे, कोई सुध-बुध नहीं है, कहाँ वो, कहाँ रावण। सुग्रीव के पास में अब चॉइस आ गई कि किसका साथ दूं। आप और हमारे पास भी ये हमेशा हर क्षण हमारे पास ये चुनाव का विकल्प हमारे पास मौजूद रहता है, हर क्षण, कि हम अपने ऐश्वर्यशाली रिश्तेदारों, मित्रों, बंधु बांधवों का साथ दें, या हम तपस्या कर रहे भक्तों का साथ दें। एक भक्त के पास क्या है? माला, मृदंग, करताल, चौथी चीज नहीं है उसके पास में। घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं कि आप हमारे किनिया लो, बोलो गौर हरि, आप हमें खरीद लो प्लीज, आप चैतन्य महाप्रभु का नाम लो, आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, हमें खरीद लो, जैसे नित्यानंद प्रभु कह रहे थे। क्या उनके पास कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। सेवा एक ही बात है कि जो सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति हैं परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे हुए, और उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई देखेगा तो बोलेगा अरे ये तो बिल्कुल कंगले हैं। जैसे कोलावेचा श्रीधर हैं, कोलावेचा श्रीधर को उनके पड़ोसी गालियां देते थे, अरे कहाँ से यहाँ पे रहना शुरू कर दिया इसने, वो जोर जोर से हरि नाम ले रहा है, पड़ोसियाँ गालियाँ दे रहे हैं उसको, झोपड़ी टूटी हुई, छत फटी हुई, कपड़े फटे हुए, लोटा टूटा हुआ, कोई आमदनी का साधन नहीं है, और ऊपर से जोर जोर से पूरी रात शोर मचाता है, ये बड़ी परेशानी है इससे। अब किसका साथ दें? ये विकल्प, ये चुनाव हमें हर क्षण वो चुनाव करना पड़ता है।
हर क्षण हमें ये सोचना पड़ता है, हमें पड़ेगा। हम पहले भी ये चुनाव करते रहे हैं, पहले भी हम करते रहे हैं और अभी भी हमें ये चुनाव करना पड़ेगा। दोनों साथ मिलकर चलते हैं, नहीं चलेंगे। रावण और भगवान राम कभी साथ मिलकर नहीं चल सकते, क्योंकि रावण भगवान राम से ईर्ष्या करता है। जो भगवान से ईर्ष्या कर रहा है उसके साथ मिलकर कैसे चला जा सकता है? उसके साथ मिलकर चलना थोड़ा मुश्किल काम है। तो चुनाव करना पड़ेगा। तो सुग्रीव जी ने बोला उस असुर को, शुक, उस तोते को, कि देखो भाई, रावण से कह देना कि मेरी तुम्हारी कोई मित्रता नहीं है भाई, कोई मित्रता नहीं है। बेकार की मित्रता जताने की कोशिश मत करो। मित्रता तो दूर की बात है, तुमने अधर्म का आचरण किया है। तुमने कैसे भगवान द्वारा भुक्त वस्तु माता सीता का तुमने हरण कर लिया अपने सुख के लिए। जितने भी भोगी हैं, जितने भी भौतिक लोग हैं, जो अभक्त हैं, वो सब धन धान्य सुख सुविधाएं, ये सब जो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए थी उसको अपने ऊपर लगा रहे हैं। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। ये सुख सुविधाएं इसका भोग कौन करेगा? हम करेंगे। अरे भगवान की संपत्ति है, हम नहीं जानते, हम करेंगे भोग। ये जो मानसिकता है, ये जो मानसिकता है, ये एक चोर की, एक डकैत की मानसिकता है। ये ऐसे व्यक्ति की मानसिकता है जो कि भगवान कृष्ण, जो सुहृतम सर्वभूतानाम, जो सबके मित्र हैं। अरे सबके मित्र हैं तो आपके भी होंगे, तो ऐसा कैसे कि एक व्यक्ति आपसे प्रेम कर रहा है, आप उससे घृणा कर रहे हो? ऐसा कैसे? क्या सोच है आपकी कि जो व्यक्ति आपका परम मित्र है आप उसी से घृणा कर रहे हो? तो जो व्यक्ति घृणा कर रहा है आप उससे अपनी दोस्ती कैसे जता सकते हो? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की, भगवान राम की सेवा में नियोजित नहीं हो रहा, उससे हम अपनी दोस्ती निभा के आखिर करेंगे क्या? हमें मिलेगा क्या? इस संसार में तो सब कुछ वैसे ही नश्वर है, खत्म हो जाएगा। और सुग्रीव जी ने बोला उस तोते को, शुक को, कि हम आएंगे, आ रहे हैं हम तेरे पीछे पीछे, और पूरी लंका ध्वस्त कर देंगे और रावण को उसके भाइयों समेत, परिवार समेत मार देंगे उनको, कोई बचेगा नहीं, जाके बोल देना उसको। सुग्रीव जी ने वो जो प्रलोभन था, वो जो डर दिखाया था रावण ने, जो प्रलोभन दिखाया था, विचलित नहीं हुए उससे। उन्होंने अपनी निष्ठा भगवान राम में निवेशित करके रखी। हम लोगों को भी सुग्रीव जी के इस व्यवहार से शिक्षा लेने की। हम क्यों रामायण पे चर्चा कर रहे हैं, हम क्यों भागवतम पढ़ रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा हमने करना क्या है। तो जो सुग्रीव ने किया, जो हनुमान जी ने किया, जो प्रहलाद महाराज ने किया, जो महाराज बलि ने किया, हमें वो करना है। जो महाराज अम्बरीश ने किया, हमें वो करना है। हमारा वो कर्तव्य है। इसीलिए हम ये सारी शिक्षाएं, सारे प्रसंग, सारी कथाएं, इतिहास, हम इसको सुन रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। अगर हमने केवल एक कथा के रूप में सुन के, ओह बहुत अच्छा लगा, ये भी अच्छी बात है कि आपको कम से कम अच्छा तो लगा, लेकिन जब तक हम उसको अपनाएंगे नहीं, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उस पर जब तक हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, तब तक, जब तक हम कुछ चुनाव नहीं करेंगे, तो फिर बात कैसे बनेगी, कैसे बात बनेगी? ये जितने भी प्रसंग हैं, सिर्फ इस कथा से नहीं, आप जितने भी और आप
लेक्चर्स प्रवचन सुनते हो, हमेशा इस चेतना के साथ सुनने चाहिए कि अच्छा मैं इसको जीवन में कैसे उतारूं। जब आप ये सोचना शुरू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा अरे इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं जीवन में उतारने के लिए। अगला कदम क्या उठाना है, चलो वो काम करना है, लेकिन अगला कदम क्या उठाना है, अभी तुरंत अभी क्या करना चाहिए पता नहीं चलेगा। तो फिर हम गुरु पे, वरिष्ठ भक्तों पे हम, हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी, क्योंकि वही बताएंगे क्या करना है, उनसे हमारे संबंध और गाढ़े हो जाएंगे, हमारा उनके प्रति समर्पण का भाव और अधिक बढ़ जाएगा। और जैसे आपका गुरु के प्रति, वरिष्ठ वैष्णवों के प्रति आपका समर्पण का भाव बढ़ेगा, आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे, आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन चुनाव आपको कदम कदम पे करना पड़ेगा कि रावण के साथ जाना है या भगवान राम की शरण में रहते रहना है। ऐसा नहीं कि भगवान राम की शरण ले ली बस अब बहुत हो गया, नहीं, सुग्रीव पहले से ही भगवान राम की शरण में है, भगवान राम की व्यवहारिक सेवा में लगा हुआ है, फिर भी उसको चुनाव, बार बार चुनाव के अवसर आ रहे हैं उसके पास में। ऐसा नहीं कि अब आपकी दीक्षा हो गई या आप दीक्षा लेने वाले हो, आश्रय हो गया, माला करनी शुरू कर दी आपने, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अब चुनाव का अवसर नहीं आएगा। आपके पास पग पग में, हर कदम में आपके पास चुनाव का अवसर आएगा, और वो कठिन होता है, आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने चारों ओर अगर आप भक्तों से घिर के रहोगे, आप सामने से भक्तों को बोलोगे कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे बचाओ प्लीज़, मुझे बचा के रखना, ये भक्तों को मत बोलो अरे मैं बहुत ताकतवर हूँ, जो होगा मैं देख लूँगा, आप चिंता मत करो, अरे नहीं, आप चिंता करो, कृपा अवलोकन करो, आमी बड़ा दुखी, आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझे, आप पैनी नज़र से, पैनी दृष्टि से आप मुझे देखते रहो, मेरे कामों को, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे देखते रहो, जहाँ भी आपको लगे अरे भाई ये खतरे की ओर जा रहा है, तुरंत मुझे बालों से पकड़ के, गर्दन से पकड़ के मुझे खींच लो वापस, सुरक्षित मार्ग पे मुझे डाल दो। हमें ये भक्तों को सामने से, हमें ये निवेदन, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये प्रार्थना करोगे तो सुरक्षित रहोगे, इस बात में कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। इसको यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। आप सब इतने अच्छे भक्त हो। जैसे एक बार ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से मिलने चले गए, तो अंदर घुस रहे थे, द्वारपाल ने बोला भाई कहाँ जा रहे हो, कौन हो, अपना परिचय दे दो। ब्रह्मा जी ने बोला अरे भाई मुझे नहीं जानता तू, क्या रुको मैं जरा बता के आता हूँ। भगवान कृष्ण ने द्वारपाल से पूछा कौन सा ब्रह्मा है, तो द्वारपाल को ब्रह्मा जी ने बोला जाके बोलो ब्रह्मा है। तो द्वारपाल गया भगवान कृष्ण के पास, बोला कि ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा कौन सा ब्रह्मा, द्वारपाल वापस आ गया, भाई कौन से ब्रह्मा हो आप। अब ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा गया, ब्रह्मा जी ने बोला चार मुख वाला ब्रह्मा। अच्छा, तो द्वारपाल ने भगवान कृष्ण को बोला चार मुख वाले ब्रह्मा जी, अच्छा भेज दो अंदर। अंदर गए, ब्रह्मा जी ने बोला ये भगवान ये क्या बात है, मतलब आप मुझे भूल गए चार मुख वाले ब्रह्मा को, क्या और भी है क्या ब्रह्मा, वो मजाक में पूछ लिया ब्रह्मा जी ने। भगवान कृष्ण ने एक सेकंड में वहाँ पे करोड़ों ब्रह्मा प्रकट कर दिए, कोई 8 सिर वाला, कोई 1 लाख सिर वाला, कोई 1 करोड़ सिर वाला, और सब भगवान कृष्ण को मस्तक झुका रहे थे। और चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि उनके सामने ऐसा लग रहा था
कि हाथियों के झुंड में खरगोश फंस गया बीच में। तो आप सब झारखंड के भक्त इतने उच्च, इतने उन्नत भक्त हो कि आपके सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि मद मस्त हाथियों में एक एक हाथी पर्वत के समान है और ऐसे हाथियों का झुंड चल रहा है, उसके बीच में मेरे जैसे खरगोश फंस गया आके। आप सब इतने उत्साहित, इतने उन्नत, इतने महान आप सब भक्तों, इतने इतने अच्छे से आप लोग सेवा में लगे हुए हो, प्रचार कर रहे हो, इतनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रही होंगी, फिर भी परवाह नहीं है, फिर भी परवाह नहीं है। आप लोग अपनी व्यक्तिगत असुविधा का ध्यान नहीं रख के आप लोग निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा में लगे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जैसे सेवा का भाव मुझे प्राप्त हो जाए। इतने महान भक्तों, आप सबकी जय हो।